है। और ये इसकी मेन कॉइल है, मेन कॉइल में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये चिल्ड वाटर लाइन है। ओके, यहाँ से जो नीचे वाला जो पॉइंट है वाटर का, वे भाई सबसे पहले यहाँ से करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में, जिसको FAHU शॉर्टकट में बोला जाता है। बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कि FAHU क्या होता है, FAHU कैसे चलता है, FAHU में कितने मोटर होते हैं, FAHU में कैसे कौन सा बेल्ट होता है, FAHU का पैनल कौन सा होता है, FAHU चिल्ड वाटर पे काम करता है या गैस पे काम करता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को आज मैं इकट्ठा करके देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। आप लोग लास्ट तक देखें, स्किप ना करें वीडियो। अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या बताऊँ उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि FAHU क्या होता है और कैसे काम करता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि FAHU क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट की क्या होता है, फ्रेश एयर को जो नेचुरल एयर होता है उस हवा को ये ठंडा करके बिल्डिंग के अंदर भेजता है, कूलिंग करके, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी नहीं होनी चाहिए। और अंदर में जब आप लोग जानते हैं कि हवा ज़्यादा होगी तो उसको निकालना भी ज़रूरी है, इसके लिए उसमें एग्जॉस्ट फैन भी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखिए, ये जो आप लोगों को डक्ट दिख रहा है EAD, मतलब एग्जॉस्ट एयर डक्ट, एग्जॉस्ट एयर डक्ट यहाँ से जा रहा है ये हमारे फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट में, FAHU में। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सामने पैनल है, मैं आपको सब तो आप लोगों को सबसे पहले मैं इसका कंट्रोल पैनल दिखा देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ये फ्रेश एयर का ऑटो और हैंड मोड पे, ये इसका स्विच है, सिलेक्टर स्विच, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का ऑटो और हैंड है, और यहाँ पे ऑटो और मैनुअल का स्विच है। अब यहाँ आप लोग देख लें, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मेन ब्रेकर है और ये जितने भी ELCB हैं और बाकी तीन इसमें ब्रेकर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मोटर का ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, ये वाला स्टार डेल्टा कनेक्शन है। अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ दूसरा। तो आप लोगों के सामने अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि अगर ये बंद हो जाए, नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने आके इसके पैनल को ही देखना है, और पैनल में ये देखना है ये दोनों स्विच जो है ये ऑटो में या हैंड पे या ऑफ में है, किस पोजीशन में है। यहाँ पे ये ट्रिप का अक्सर होता है, जो लाइट है हमारा ये ट्रिप है कि क्या है। वे भाई सबसे पहले यहाँ से करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि क्लेम मीटर लेना है, और क्लेम मीटर से क्या करना है, आपको जो मोटर की है वो वाइंडिंग चेक करनी है। वाइंडिंग चेक करने के लिए आप लोगों को मैंने कई बार बताया, नहीं तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वाइंडिंग आप लोगों को अगर स्टार डेल्टा ऐसा वाला है तो हमेशा इसमें एक पॉइंट पकड़ेंगे, इसमें एक पॉइंट पकड़ेंगे, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसका वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर स्टार है तो आप लोग यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और मोटर चेक करने के बाद ग्राउंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना, ग्राउंड ज़रूर। जैसे भी एक मोटर की वाइंडिंग की वायर है यहाँ पे, तो एक इस पर डाल दिया मैंने, ये T1 लिखा हुआ है, T1 में मैंने एक डाला, और दूसरा जो है वो अर्थिंग पे मैंने डाल दिया। तो उससे क्लेम मीटर में अगर पेनल्टी शो कर रहे हैं तो कभी भी मोटर को दोबारा ना चलाए अगर वो ट्रिप है तो। और अगर सब कुछ ठीक है, ओके है, तब आप लोग चेक करें कि ये ओवरलोड से ट्रिप हुआ है क्या। उसके बाद आप लोग क्लेम मीटर लगा के इसको चेक स्टार्ट करें और देखें कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, और अगर ये बंद है तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग आप लोग कर सकते हैं। वो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो रिटर्न फैन हो या फिर सप्लाई फैन हो। इसमें जो कंट्रोल चल रहा है वो 24 वोल्ट का, ये देखें आप लोग यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है क्या, वाइंडिंग को चेक करना। वाइंडिंग अगर कुछ फॉल्ट होगा और आप चलाएंगे तो दोबारा से फिर से आपका ब्रेकर ट्रिप हो सकता है, या अगर ब्रेकर नहीं होगा तो कुछ बर्न भी हो सकता है, ब्रेकर जल भी सकता है अगर सेफ्टी स्विच नहीं लगा हुआ होगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग इसमें किसी भी सिस्टम में, इसलिए इसी सिस्टम या चिलर सिस्टम में सेफ्टी हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देखें छोटा यूनिट है तो ELCB यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके लिए और भी अर्थिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर देना चाहिए, ताकि कभी भी अगर थोड़ा भी अर्थ लीक हो तो तुरंत ये मशीन ट्रिप कर जाए। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी ये सिलेक्टर स्विच वगैरह भी ख़राब होते हैं, कभी रिले भी ख़राब होता है, ये कंट्रोल की बात है, वो किसी दिन फिर वीडियो बना दूँगा उस कंट्रोल के ऊपर। तो मोटा मोटा आप लोग बता दिया कि ये चीज़ मेन चेक करना होता है, और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट हो जाता है। और जो उसके उधर वाला है वो सप्लाई एयर डक्ट है, मतलब फ्रेश एयर वहाँ से जाएगा अंदर। तो सप्लाई एयर डक्ट के लिए, फ्रेश एयर डक्ट के लिए ये देखिए, ये वाला सप्लाई मोटर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ब्लोअर ये सप्लाई दे रहा है, बिल्डिंग के अंदर जा रही है, और ये इसकी मेन कॉइल है। मेन कॉइल में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये चिल्ड वाटर लाइन है। ओके, यहाँ से जो नीचे वाला जो पॉइंट है वाटर का, चिल्ड वाटर एंट्रिंग लाइन है, और ये वाला जो है चिल्ड वाटर ये रिटर्न लाइन है, मतलब वापस जाता है ये, और ये सप्लाई जाता है, ये वापस है, मतलब वापस यहाँ से जाता है चिलर के अंदर, यहाँ ठंडा करने के लिए जाता है और यहाँ से वापस निकलता है। तो ये वाला जो है कॉइल जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सप्लाई फैन के लिए जो है, फ्रेश एयर डक्ट के लिए जो है,
ये वाला जो कॉइल है ये मेन काम का चीज़ है, क्योंकि इसको कॉइल को ठंडा कर रहा है। अभी हम लोग बात करें तो जो बिल्डिंग के अंदर से डक्टर है, ये देखिए आप लोग, ये वाला जो डक्टर, इसमें भी फिल्टर दिया हुआ है, क्यों, बिल्डिंग के अंदर से जो अगर धूल मिट्टी कुछ आ रही है तो वो भी यहाँ से फिल्टर हो जाएगी। और उसके लिए यहाँ पे मोटर लगाया हुआ है, देखिए आप लोग, और इसको इस तरीके से यहाँ पे ये डक्ट के थ्रू बाहर फेंक देता है। वहाँ पे वो डैम्पर भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक काम करता है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो पहले डैम्पर ऑन होता है, उसके बाद इसका मोटर ऑन होता है। अगर मैं फ्रेश एयर की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये बैक फिल्टर लगा हुआ है, जो इसके पीछे है वो प्री फिल्टर है, ये वाला, ये फ्रेश एयर का ग्रिल है, ये जो हमारा है फ्रेश एयर का ग्रिल है, और यहाँ से एयर को ये शक करता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये प्री फिल्टर है, यहाँ देख लो, ये देखिए ये प्री फिल्टर है, यहाँ से पहले हवा टकराती है, उसके बाद फिर ये बैक फिल्टर में छनती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये कॉयल है, ये एक तरीके से डमी कॉयल है, क्योंकि इसके अंदर भी हवा फिल्टर हो गई है। किसी किसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे हीट रिकवरी व्हील लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें कॉयल है, तो ये दूसरी कॉयल है। तो यहाँ से हवा फिल्टर होने के बाद इस कॉयल पे जाएगा, तब वो मेन कॉयल पे जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। और जब हम बात करेंगे रिटर्न एयर की, जो हमारा एग्जॉस्ट है, वहाँ से वो हवा आके फिल्टर होके उसके बाद जब यहाँ आप लोग देख रहे हैं इस कॉयल से होता हुआ, तब ये बाहर की तरफ निकलता है। तो इसके लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी आप लोग अगर काम करें तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ करें। अगर ट्रेनिंग नहीं लिया तो ट्रेनिंग ले लें, या फिर HVAC के जो क्लासेस होते हैं ऑनलाइन भी होते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। आप लोग इस तरीके से अगर काम करेंगे तो उसमें कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट किसे बोला जाता है, और किसी भी कंपनी का हो सकता है। ये चिल्ड वाटर लाइन से भी चलता है और DX से भी चलता है। DX की मैं बात बताऊं तो उसमें क्या होता है कि ये जो काम कर रहा है, जो आपको मैं चिल्ड वाटर दिखाया लाइन, यहाँ पे गैस का लाइन चलता है और उसका आउटडोर एक साथ में रखा हुआ होता है। तो DX वाला भी इसी तरीके से काम करता है, और चिल्ड वाटर का ये ऐसे काम करता है। और ये अभी ट्रेन कंपनी का मैंने आपको दिखाया है, ये कैरियर कंपनी का भी आता है, ट्रेन का भी आता है, और भी यॉर्क वगैरह बहुत सारे कंपनियों का आता है। जैसे चिलर में आप देखते हैं कि जो हमारा चिलर होता है वो कैरियर कंपनी का, ट्रेन कंपनी का, ट्रेन चिलर, कैरियर चिलर, एयर कूल चिलर, वाटर कूलर चिलर, इसी तरीके से यहाँ पे जो FAHU का ये पूरा फंडा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।